न्यूज़ सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये MNS न्यूज नेट और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीम। मैं हूँ आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं बॉलीवुड जगत की कुछ दिलचस्प बातें। वाघा बॉर्डर पहुंचे सनी देओल, अमीषा पटेल। अभिनेता सनी देओल और अभिनेत्री अमीषा पटेल आज शाम अटारी वाघा बॉर्डर बीटिंग रिट्रीट समारोह में शामिल हुए। सनी देओल और अमीषा पटेल की फिल्म गदर 2 बनकर तैयार है। आने वाले शुक्रवार 11 अगस्त को थिएटर्स में गदर 2 रिलीज होगी। गदर 2 एक्शन ड्रामा फिल्म है जो अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित है और निर्मित है। 2001 की फिल्म गदर एक प्रेम कथा की अगली कड़ी। इस फिल्म में सनी देओल, अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा पहली फिल्म की अपनी भूमिकाओं को दोहरा रहे हैं। फिल्म में मनीष वाधवा, लव सिन्हा, सिमरत कौर और अमृत सिंह भी है। गदर 2 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है। फिल्म एक सिख किसान तारा सिंह की कहानी है जिसे एक मुस्लिम महिला सकीना से प्यार हो जाता है। दोनों की शादी हो जाती है और उनका एक बेटा जीते। उनकी खुशी काल्पनिक होती है। जब भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू होने के बाद तारा को भारत भागने के लिए मजबूर होना पड़ता है। 22 साल बाद तारा अपने बेटे को खोजने के लिए पाकिस्तान लौटता है जिसका पालन पोषण सकीना के परिवार ने किया है। तारा को अपने बेटे को वापस पाने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा जिसमें दोनों देशों के बीच नफरत भी शामिल है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बुर्का पहन UAE में मस्जिद जाने पर ट्रोल हुई बबीता जी। टीवी का पॉपुलर सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा में बबीता जी का किरदार निभाकर घर घर में फेमस हुई एक्ट्रेस मुनमुन दत्ता सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है। वो खुद से जुड़ी कोई ना कोई पोस्ट शेयर करती रहती है। ऐसे में अब एक्ट्रेस दुबई के एक मस्जिद में बुर्का पहनकर पहुंची। उन्होंने इंस्टाग्राम पर इसकी तस्वीरों को शेयर की है। इसे शेयर करने के साथ ही वो ट्रोल्स के निशाने पर आ गई। लोग उन्हें मंदिर जाने की हिदायत देने लगे। उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। एक्ट्रेस मुनमुन दत्ता ने अबू धाबी से इंस्टाग्राम पर अपनी फोटोज को शेयर की है। वो दुबई के शेख जायद ग्रैंड मस्जिद पहुंची, जहां यहाँ जाने के बाद उन्होंने फोटोज भी क्लिक कराई जिसे फैंस के साथ इंस्टाग्राम पर शेयर किया। उनके शेयर करने के बाद वो ट्रोल्स के निशाने पर आ गई है और लोग उन्हें जमकर खरी खोटी सुनाने लगे। कमेंट बॉक्स में हिंदू फैंस का जय श्री राम के नारे लगाने लगे और बुर्के में एक्ट्रेस को देखकर मुस्लिम फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पोस्ट को करीब 5 लाख लाइक्स मिल चुके हैं और लोग खूब कमेंट्स कर रहे हैं मुनमुन दत्ता की फोटोज पर। अगर लोगों की रिएक्शन की बात की जाए तो एक ने लिखा, हिंदू हो मंदिर जाया करो मस्जिद नहीं। दूसरे ने लिखा, हिंदी ट्रैपल की कमी है क्या जो मस्जिद जाती हो। तीसरे ने लिखा, मुनमुन दत्ता बेवफा है। चौथे ने लिखा, तुम औरतें सिर्फ मस्जिद के बाहर फोटो खिंचवा सकती हो, अंदर नहीं। पांचवे ने लिखा, आप बुरके में एकदम मुस्लिम लग रही हो माशाल्लाह। इसके साथ ही एक अन्य ने लिखा, हिंदू जरा जम के बोलो जय श्री राम। इसी तरह से लोग जमकर कमेंट्स कर रहे हैं और जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MNS न्यूज TS डाउनलोड करें। इंस्टाग्राम, ट्विटर, हाइकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक भी दे सकते हैं www.mnsnewsc.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बनी रही है MNS न्यूज टी पर। नमस्कार। और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।